हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर बी बीइंग बीन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है, बीन के यूज के बारे में। इससे पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको टू बी वर्ब्स के बारे में, बी के यूज के बारे में, बीइंग के यूज के बारे में बताया था। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बीन के सभी यूसेज के बारे में। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपने बी बीइंग बीन सीरीज के 3 वीडियो लेक्चर्स को देखा है और कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ आप टेंस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस और मॉडल्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को आप ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल पाए और एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले यूज की, जो कि है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन का यूज। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। चूंकि आप एडवांस लर्नर हैं और बीन के कॉन्सेप्ट तक पहुंचे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के बारे में आप पहले से जानते हैं। फिलहाल बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज है, चूंकि सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको बताना है, तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर आपके सामने हैं। देखिए, पहले 2 एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर क्वाइट लॉन्ग, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय के साथ से का जिक्र, 2 घंटे से या सुबह से। और आप जानते हैं से के लिए या तो फॉर का यूज किया जाता है या फिर सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, जहां पर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आई हैड बीन गेटिंग क्रेजी टू सी यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपको देखने के लिए क्रेजी हो रहा था। आई हैड बीन गेटिंग क्रेजी। इसी तरह से यहां पर एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस भी मैंने लिया है। ये पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भविष्य के बारे में बात हो रही है और भविष्य में किसी काम को किए जा रहे के बारे में बात हो रही है। देखिए सेंटेंस में When I drop into his home tomorrow, पहले तो ये समझिए कि किस सिचुएशन में इस सेंटेंस को बोला गया होगा। मान लीजिए मैं आपका एक दोस्त हूं और मैं रोज आपके घर आता हूं जिम के टाइम पे, शाम के टाइम आता हूं और मैं कहता हूं कि चलो जिम चलते हैं, और रोज आप मुझे ये कहते हो कि मैं सुबह से गिटार बजा रहा हूं या मैं काफी देर से गिटार बजा रहा हूं और मैं थक गया हूं, मैं कल आऊंगा, आज मैं नहीं आऊंगा। मान लीजिए आप ये रोज कहते हैं, तो देखिए इस बात को अगर मैं किसी से बोल रहा हूं तो मैं कैसे कहूंगा। मैं कहता हूं When I drop into his home tomorrow, कल जब मैं उसके घर जाऊंगा, I'll drop in, drop in, ये एक phrasal verb है, इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि आप advanced learner हैं। When I drop into his home tomorrow, कल जब मैं उसके घर पहुंचूंगा या जाऊंगा, I am sure, मैं पक्का हूं, I am sure, क्या होगा? He will have been playing guitar for a long, वो काफी देर से गिटार बजा रहा होगा, will have been, रहा होगा, and he would say, और वो कहेगा, वो क्या कहेगा? I am tired, ये उसके वर्ड्स हैं, डायरेक्ट स्पीच में देखिए कोटेशन मार्क्स आप लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई विल ज्वाइन यू टुमारो, मैं आपको कल ज्वाइन करूंगा। तो इस सेंटेंस को इस सिचुएशन में बोला जा सकता है। यहां पर एक बात मैं आपके साथ शेयर और करूंगा, मैंने कहा ही वुड से, वो कहेगा, वो भविष्य में कहेगा, तो मैं विल का यूज यहां पर कर सकता था, लेकिन मैंने वुड का यूज इसलिए किया क्योंकि वुड का यूज जब मैं करता हूं तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी की बात है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, हो सकता है वो आज ऐसा ना कहे। मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो कहेगा, तो जब मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं, तो वहां पर मैंने विल की जगह वुड का यूज किया है। तो इस तरह से यहां पर 2-3 सेंटेंसेस मैंने लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। फिलहाल देखिए मेरा दूसरा यूज जो बीन का यूज होता है वो होता है परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में विल हैव बीन का यूज। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले 2 सेंटेंस लिए गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस से। ही हैज बीन सेंट टू मार्केट, उसे मार्केट भेजा जा चुका है।
यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, हैज बीन, यहां पर हैव बीन का यूज सेकंड पर्सन के साथ में, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज, आपको इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है क्या करने के लिए, टू सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, ही हैड बीन टॉट अबाउट इट, यहां पर हैड बीन का यूज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं, ही हैड बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा चुका था इसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में बात हो सकती है, तो इसके बारे में उसे पढ़ाया जा चुका था। दोनों सेंटेंस, ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ नंबर के जो सेंटेंस हैं, ये विल हैव बीन, विल हैव के साथ बीन का यूज फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। नेहा विल हैव बीन सिलेक्टेड व्हेन यू कॉल हर टुमारो एट दिस टाइम, नेहा को सिलेक्ट किया जा चुका होगा व्हेन यू कॉल हर टुमारो, जब आप कल उसे कॉल करोगे एट दिस टाइम, इस समय। यहां पर कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि वेन के साथ जब आपने कहा कि जब आप कॉल करोगे, करोगे फ्यूचर में जब आपने कहा तो यू विल कॉल क्यों नहीं यूज किया। देखिए वेन का क्लॉज, जो क्लॉज वेन का होता है, यहां पर एक कॉमा है, कॉमा के बाद ये दूसरा क्लॉज है, वेन के क्लॉज में या इफ के क्लॉज में अगर फ्यूचर में कोई बात की गई है तो उसे फ्यूचर की तरह नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस की तरह बनाया जाता है, क्योंकि दूसरा जो क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसमें ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में बताया जा चुका है। अगर इसी सेंटेंस में मैं ये कहता कि जब वो कॉल करेगा उसे कल इस समय, तो जब वो कॉल करेगा कल, ही, व्हेन ही, तो यहां पर कॉल्स होता, यहां पर आप एस लगाते, क्योंकि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ बनाया जाता है व्हेन के क्लॉज को, व्हेन और इफ। तो फिलहाल यहां पर चूंकि मेरा सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, तो मैं कॉल यूज करता हूं, एस नहीं लगाता। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, द क्रिमिनल्स विल हैव बीन हैंग्ड बाय 9 o'clock टुमारो, क्रिमिनल्स अपराधियों को कल 9 बजे तक, तक के लिए आप बाय का यूज करते हैं, ये बात मैंने आपको प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में बताई थी, बाय का यूज टाइम के साथ तक के सेंस के लिए किया जाता है, कल 9 बजे तक हैंग कर दिया जाएगा क्रिमिनल्स को, यानी अपराधियों को लटकाया जा चुका होगा, फांसी पे लटकाने के लिए आप हैंग का यूज करते हैं। देखिए हैंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब होती है, हैंग की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अगर मैं आपसे यूं कहूं, हैंग की सेकेंड फॉर्म एक है हंग और दूसरी है हैंग्ड, इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी हंग हैंग्ड दोनों हैं, लेकिन एक फर्क है, हंग का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी चीज को लटकाने की बात करते हैं, जैसे कपड़ों को लटकाने की बात करते हैं या अपनी शर्ट को कहीं पे लटकाने की बात करते हैं, किसी चीज को लटकाने की बात, और हैंग्ड का यूज सिर्फ तब किया जाता है जब फांसी पे किसी व्यक्ति को लटकाने की बात करते हैं, तो अपराधियों को फांसी पे लटकाया जाता है, इसलिए यहां पर हैंग्ड का यूज किया गया, हंग का यूज नहीं किया गया। द क्रिमिनल्स विल हैव बीन हैंग्ड बाय 9 o'clock टुमारो, कल 9 बजे तक क्रिमिनल्स को लटकाया जा चुका होगा। और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट दिया होता है या सब्जेक्ट नहीं दिया होता, अगर सब्जेक्ट दिया होता है तो द्वारा के साथ दिया होता है, जैसे अपराधियों को कल 9 बजे तक जल्लाद के द्वारा लटकाया जा चुका होगा, जल्लाद कौन होता है, जो फांसी पे लटकाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो इस केस में आप कैसे कह सकते हैं, देखिए बाय 9 o'clock टुमारो, बाय किसके द्वारा, जल्लाद के द्वारा, जल्लाद को आप कहते हैं एग्जीक्यूशनर, यहां पर बाय एग्जीक्यूशनर, सब्जेक्ट का यूज बाय के साथ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में किया जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं, इसलिए एक ओवरव्यू यहां पर आपको दे रहा हूं कि बीन का यूज किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में किया गया है, टेंस के पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस के पैसिव में। अब देखिए अगला यूज, पैसिव ऑफ मोडल्स, मोडल्स के पैसिव में किस तरह से बीन का यूज होता है। अब देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जो पैसिव ऑफ मोडल्स के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मोडल्स के पैसिव वॉइस के वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है। यहां पर आप एक बात ध्यान रखें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको इनके बारे में पता है, उनके वीडियो लेक्चर्स डेवलप किए जा चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां पर उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर देखिए जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ये सभी पैसिव ऑफ मोडल्स के सेंटेंसेस हैं, और आप ये जानते हैं कि बीन का यूज पैसिव्स में किया जाता है मोडल्स के साथ, लेकिन किन मोडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ,
should have, would have, could have, must have, may have या might have के साथ. आप ये नोट करेंगे कि ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स दो वर्ड से बनी है और दूसरा वर्ड है हैव. इनके साथ बीन का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में. अब देखिए आपके सामने जो पहला सेंटेंस है, ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उसे पूछा जाना चाहिए था किसी के द्वारा. पैसिव वॉइस सेंटेंस है, किसी के द्वारा उसे पूछा जाना चाहिए था. यह नहीं बताया गया किसके द्वारा. पैसिव वॉइस में आप जानते हैं या तो सब्जेक्ट दिया होगा या नहीं दिया होगा. ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उसे पूछा जाना चाहिए था. दे वुड हैव बीन सेंट टू जेल, मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में पैसिव वॉइस में बताया जा चुका है, उन्हें जेल भेजा जा चुका होता, चुका होता, उस केस के लिए वुड हैव बीन का यूज किया जाता है. You could have been allowed to play. आपको खेलने के लिए अलाउ किया जा सकता था. Could have been. Could have का यूज सकता था के लिए आप करते हैं, पैसिव वॉइस में could have been. Robin must have been punished for this mischief. Must have, जरूर चाहिए था. यहां पर पैसिव वॉइस में Robin को इस शरारत के लिए पनिश किया जाना चाहिए था, जरूर किया जाना चाहिए था, इसलिए वहां पर मस्ट का यूज किया. अगर होता सिर्फ चाहिए था तो आप शुड हैव का यूज करते, शुड हैव बीन. रॉबिन शुड हैव बीन पनिश्ड फॉर दिस मिसचीफ, यहां पर जरूर चाहिए था इसलिए रॉबिन मस्ट बीन पनिश्ड फॉर दिस मिसचीफ. नेक्स्ट सेंटेंस, ही मे हैव बीन या ही माइट हैव बीन, मे हैव या माइट हैव दोनों का यूज सकता था के लिए, परमिशन के लिए, सकता था के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए किया जाता है. सेंटेंस देखिए, ही मे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब, उसे जॉब से निकाला जा सकता था फॉर मिस हैंडलिंग सच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को मिस हैंडल करने के लिए, यानी प्रॉपर तरीके से हैंडल न करने की एवज में, न करने की वजह से उन्हें जॉब से, उसे उसे जॉब से निकाला जा सकता था. सकता था के लिए मे हैव या माइट हैव. किसके द्वारा निकाला जा सकता था, किसी के द्वारा, इसीलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अब बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, अगला यूज इनफैक्ट, पास्ट मॉडल प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, यहां पर इन सभी सेंटेंसेस में अगर बीन की बात करें, बीन का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं हुआ है बल्कि मेन वर्ब की तरह हुआ है. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, पास्ट मॉडल, मॉडल की वो हेल्पिंग वर्ब्स जो पास्ट में यूज होती है, पास्ट को डिनोट करती है, जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और साथ में उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी एक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है बीन, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में एक डिफरेंस है. यहां पर जब हमने सेंटेंसेस को देखा था तो शुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपने यूज किया था पैसिव वॉइस में, लेकिन यहां पर ये खुद एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं है. हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतनी है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मे हैव या माइट हैव, मस्ट हैव, और इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म. बी का मतलब है होना. अब देखिए इस सेंटेंस में ही शुड हैव, उसे चाहिए था, क्या चाहिए था, मान लीजिए यहां पर अगर होता गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था. ये बात मॉडल्स में आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. यहां पर उसे होना चाहिए था, जाना की जगह मैंने क्या यूज किया, बी, बी की थर्ड फॉर्म बीन, उसे होना चाहिए था, कहां होना चाहिए था, घर पर होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम. अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, दे वुड हैव बीन नियर दिल्ली इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली. यहां पर ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैं इस तरह के सेंटेंसेस आपको बता चुका हूं. ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप थ्री का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में अगर आप देखें, इफ का ये जो क्लॉज है, इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, इस क्लॉज को आप सेंटेंस के एंड में या फिर इस क्लॉज को शुरुआत में भी आप यूज कर सकते थे. आप कह सकते थे इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव बीन नियर दिल्ली. तो फिलहाल यहां पर इस सेंटेंस का क्या मतलब है, देखिए, दे वुड हैव बीन नियर दिल्ली, वो दिल्ली के पास होते, नियर होते, अगर इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी निकल गए होते, अगर वो जल्दी निकल गए होते तो दिल्ली के पास होते. इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर सकता था के लिए कुड हैव, क्या हो सकता था, आई कुड हैव बीन, मैं हो सकता था एक
डॉक्टर। यहां पर आपको यही बात ध्यान देनी है कि बीन का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट, कोई वर्ब नहीं आएगी उसके बाद, जैसा यहां पर बताया गया। अब देखिए अगला सेंटेंस है, ही मे हैव बीन इन स्कूल दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। ही मे हैव बीन स्कूल या ही माइट हैव बीन स्कूल, आप जानते हैं सकता था के लिए मे हैव या माइट हैव का यूज किया जाता है। और अगर आप ये जानते हो कि मे हैव का यूज ज्यादा पॉसिबिलिटी और माइट हैव का यूज बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही मे हैव बीन इन स्कूल, वो स्कूल में हो सकता था, इसीलिए दैट्स व्हाई, इसीलिए आई वेंट देयर, इसीलिए मैं वहां गया। या फिर ही माइट हैव बीन स्कूल दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इमरान मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ माई टीम बिकॉज ही प्लेज बेटर देन एनीबडी एल्स। इमरान को होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था द पार्ट ऑफ माई टीम, मेरी टीम का भाग होना चाहिए था जरूर, क्योंकि बिकॉज ही प्लेज बेटर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि वो किसी भी दूसरे से ज्यादा बेहतर खेलता है। तो इस तरह से यहां पर आपने ये देखा कि बीन का यूज मेन वर्ब की तरह इन सेंटेंसेस में किया गया है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा बी बीइंग बीन पे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। अब देखिए हमारा अगला जो यूज है बीन का, सिंस या फॉर अ टाइम बट टाइम नॉट मेंशनड, यानी एक समय से के लिए आप जानते हैं सिंस और फॉर का यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में, तो उसी तरह से किसी टाइम से का जिक्र होगा बट टाइम इज नॉट मेंशन, टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया जाएगा। इसकी शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन मैंने यहां पर किया है, जैसा मैंने आपको बताया सिंस फॉर अ टाइम एक समय से, लेकिन टाइम मेंशन नहीं है, तो यहां पर करेक्शन ये है टाइम मे नॉट बी मेंशनड, टाइम मेंशन हो भी सकता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर टाइम मेंशन किया जाता है, इसलिए इसको यहां पर मैंने करेक्ट किया है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है ही हैज बीन इन दिल्ली, किस तरह के सेंस के लिए इस सेंटेंस को यूज किया जाएगा। मान लीजिए आपकी मेरे से बात हो रही है और आप मुझसे पूछें कि राहुल कहां है, और मैं आपसे कहता हूं कि वो दिल्ली में है, तो मैं कहूंगा ही इज इन दिल्ली, वहां पर इज का यूज करता हूं, मैं आपसे कहता हूं ही इज इन दिल्ली। लेकिन सोचिए कि एक महीने के बाद फिर आपसे मेरी बात हो रही है और आप एक बार फिर से पूछते हैं कि राहुल कहां है, तो वहां पर मैं आपसे कहूंगा ही हैज बीन इन दिल्ली। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि वो दिल्ली में है, अभी भी वो दिल्ली में है। तो यहां पर बेसिकली एक समय से, उस समय से जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी उस समय से लेकर अब तक वो दिल्ली में है, जब समय से का सेंस होता है, जरूरी नहीं है कि मेंशन हो। यहां पर बोला नहीं गया कि लास्ट टाइम व्हेन आई हैड अ वर्ड विद यू, ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है, वहां पर सेंस है, इसलिए ही हैज बीन इन दिल्ली इस तरह से यूज किया जाता है। इसी तरह से देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन इन ऑफिस। फॉर एग्जांपल आप मेरे को कॉल करते हैं, आप पूछते हैं कि आप कहां हैं, और मैं कहता हूं कि मैं ऑफिस में हूं, और दो घंटे के बाद आप फिर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप कहां हैं, तो इस बार आई एम इन ऑफिस के बजाय मैं कहता हूं आई हैव बीन इन ऑफिस। इसी तरह से देखिए मेरा अगला सेंटेंस है हाउ हैव यू बीन। फॉर एग्जाम्पल जनरली जब आप किसी से मिलते हैं, मान लीजिए रोज आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उससे किस तरह से पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इस तरह से पूछते हैं आप। लेकिन मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से 4 या 5 साल के बाद मिलते हैं, हैरानी से जब आप पूछते हैं अरे कैसे हो, कहां थे इतने समय से, तो वहां पर समय से का सेंस बन जाता है कि इतने समय से आप कैसे हैं, कहां हैं, कुछ पता नहीं चला। तो ऐसे केस में अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए आप हाउ हैव यू बीन यानी हैव बीन का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर जो सेंस है वो सेंस है उतने समय से, जब लास्ट टाइम मिले थे तब से लेकर अब तक। अगले सेंटेंस में देखिए, मान लीजिए आप किसी पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, तो वो आंसर करता है आई हैव बीन फाइन, यानी लास्ट टाइम जब मैं मिला था तब से लेकर अब तक समय से मैं ठीक हूं, आई एम फाइन की जगह आई हैव बीन फाइन। इसी तरह से जैसा मैंने आपसे कहा मे नॉट बी मेंशन, टाइम मे नॉट बी मेंशनड, यहां पर इस सेंटेंस में आई हैव बीन मैरिड, मैं मैरिड हूं, आई एम मैरिड भी बोल सकता था, लेकिन आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, यहां पर टाइम का जिक्र किया है कि 4 साल से मैं मैरिड हूं। आई हैव बीन इन आगरा फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी लंबे समय से आगरा में हूं। तो यहां पर नॉर्मली अगर आप कहते हैं आई एम
इन आगरा, मैं आगरा में हूं फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर समय से का सेंस आ रहा है, जैसा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से, इतने लंबे समय से, तो यहां पर हैव बीन का यूज करना बेहतर है. ही हैज बीन इन दैट स्कूल एज अ प्रिंसिपल, वो स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह है, यानी एक प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है. तो यहां पर हैज बीन का यूज करके आप सिर्फ ये बताते हैं कि एक समय से है, केवल इसी पल में नहीं है, बल्कि एक समय से वो एज अ प्रिंसिपल उस स्कूल में है. अब बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव बीन का यूज किसी भी सेंटेंस में. आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव फॉर्म किसी भी वर्ब की क्या होती है. मान लीजिए गो, गो मतलब जाना, इन्फिनिटिव फॉर्म होती है टू गो, ये हम जानते हैं टू गो, लेकिन ये इन्फिनिटिव नहीं, परफेक्ट इन्फिनिटिव है, जहां पर टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है. क्योंकि हमारा फोकस है बी, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी की परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म टू हैव बीन का यूज किसी सेंटेंस में किस तरह से होता है, ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखेंगे. फिलहाल यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन बी बीइंग बीन के प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में आपके सामने कई सेंटेंसेस आएंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पकड़ आपकी मजबूत होगी. देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है टॉपिक, लेकिन अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे. देखिए इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस, यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस हैं, एक ही सेंटेंस को दो तरीकों से बनाया गया है. सेंटेंस है इट सीम्स, ये लगता है, क्या लगता है, दैट ही इज इन दिल्ली, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में है, या ये लगता है कि वो दिल्ली में है. इस बात को दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, ही सीम्स टू बी इन दिल्ली. ये बात बी के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, किस तरह से टू बी इन्फिनिटिव फॉर्म बी की यूज की गई और इस सेंटेंस को चेंज कर दिया गया, ही सीम्स टू बी इन दिल्ली. ठीक इसी तरह से अगर इस सेंटेंस की बात करें, यहां पर जो सेंटेंस है इट सीम्स, ये लगता है, क्या लगता है, दैट ही हैज बीन इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही है. हैज बीन और इस के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था. तो यहां पर ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में ही है, क्योंकि वो ही है, यानी पहले भी था, लास्ट टाइम जब बात हुई थी तब भी था और अभी भी है. तो ऐसे केस में ये परफेक्शन का केस है, वहां पर ही सीम्स टू हैव बीन इन दिल्ली. यानी अगर आपके क्लॉज में दैट के बाद का जो क्लॉज है अगर वो परफेक्ट में है, तो ऐसे केस में जो इन्फिनिटिव फॉर्म आप यूज करते हैं वो भी परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म ही यूज करते हैं. प्रैक्टिस से ही ये चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी. फिलहाल देखिए दूसरा सेंटेंस, इट वॉज सेड, ये कहा गया, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है. इट वॉज सेड, ये कहा गया, कॉमा, कॉमा का यूज करें, चाहे दैट लिख दें, यहां पर बात एक ही है. इट वॉज सेड, थोड़ा रुक गए फिर सेंटेंस को बोला, या फिर इट वॉज सेड दैट दैट द बिल्डिंग वॉज टू बी बिल्ट. Was to be, ये passive of infinitive का concept है, जिसको passive of infinitives में मैंने बताया है. Is to be, am to be, are to be, was to be, were to be. तो यहां पर इस sentence का मतलब है, ये कहा गया, क्या कहा गया, कि the building was to be built, building को बनाया जाना था, building को बनाया जाना था. इस sentence को इस तरह से भी form किया जाता है, the building was said to be बिल्ट. ये बात टू बी के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, जहां पर बी के यूसेज के बारे में बताया था. और अगर इसी सेंटेंस को आप देखिए किस तरह से बनाया, ये कहा गया कि द बिल्डिंग हैड बीन बिल्ट. यहां पर अगर आप देखें, बिल्डिंग को बनाया जाना था, यानी उस काम को अभी किया जाना था, इसलिए आपने जब इंफिनिटिव फॉर्म यूज की तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव आपने यूज नहीं की, क्योंकि बिल्डिंग अभी बनी नहीं है. लेकिन इस सेंटेंस में इट वॉज सेड, ये कहा गया कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी थी, यानी वो काम किया जा चुका था. तो जब यहां पर सेड टू इस फॉर्मेशन को आप यूज करते हैं, द बिल्डिंग वॉज सेड टू हैव बीन बिल्ट, द बिल्डिंग वॉज सेड टू हैव बीन बिल्ट, यहां पर जो इन्फिनेटिव फॉर्म आपने यूज की, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म का आपने यूज किया. इसी तरह से देखिए एक सेंटेंस और मैं लेता हूं. सेंटेंस है आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड,
मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है यानी मुझे ऑर्डर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस चीज के लिए, टू बी इन ऑफिस, ऑफिस में रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मैं ऑफिस में अभी रहूं, ठहरूं। अब देखिए, अगर इस सेंटेंस के बजाय यहां पर इस सेंटेंस, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया गया है, लेकिन यहां पर देखिए सेंटेंस का सेंस कितना अलग है। आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था, ये तो प्रेजेंट में बात हो रही है कि मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है ऑफिस में रहने के लिए, और यहां पर मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था बीते हुए कल में बात हुई, यानी वो काम हो चुका है जो वहां ऑफिस में रहने का काम हो चुका है। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था टू हैव बीन इन ऑफिस, ऑफिस में रहने के लिए मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन मैं उस वक्त ऑफिस में था, वो बीते हुए कल की बात है, अभी इस समय मैं ऑफिस में नहीं हूं। इस केस में मैं अभी भी ऑफिस में हूं, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी इन ऑफिस, मैं अभी भी ऑफिस में हूं, लेकिन इस केस में मैं अब ऑफिस में नहीं हूं, तो जो ऑफिस में होने का जो इवेंट है वो अब हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट इंफिनिटिव का यहां पर यूज किया गया। मैं जानता हूं कि सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जरूर है, यहां पर अगर आप एक चीज और देखें, सीम, ये कॉपुलर और स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी की वर्ब है। ये बात मैंने आपको वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में बताई थी कि कॉपुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इस कैटेगरी की और वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे लुक, लुक मतलब दिखना, सीम लगना, लुक दिखने में लगना, साउंड सुनने में लगना, तो ये वर्ब्स भी यहां पर यूज हो सकती है। मान लीजिए मैं इस तरह से कहूं, He looks to be smart. इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, वो स्मार्ट दिखता है, ही लुक्स स्मार्ट, और वहां पर मैं टू बी का भी यूज कर सकता हूं। ये बात टू बी के वीडियो लेक्चर में जहां पर बी के यूज बताए थे वहां पर भी मैंने आपको बताई थी, ही लुक्स टू बी स्मार्ट, ठीक उसी तरह से ही लुक्स टू बी स्मार्ट, यहां पर लुक का यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं साउंड का, साउंड वर्ब को लेके भी मैं सेंटेंस को बना सकता हूं, यहां पर मैं टेस्ट को लेके भी बना सकता हूं, स्मेल को लेके भी बना सकता हूं, जितनी भी पॉपुलर वर्ब्स हैं उनका यूज यहां पर सेंटेंसेस में हो सकता है, और ऐसे यूज अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक इसी तरह से के बजाय यहां पर टेल या आस्क के साथ भी इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, और जब बी बीइंग बीन पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में आपके लिए लेके आऊंगा तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी वहां पर रखूंगा जिससे आपकी बार बार प्रैक्टिस हो। और जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं जहां पर इस तरह का कोई सेंटेंस बोला जाता है, तो उसको असेस करिए, सोचिए कि वो किस सेंस में बोला गया, उसको चाहे तो लिख लें और उसके बाद उसे रिलेट करिए कि वो किस टॉपिक से लिया गया है। अगर वो परफेक्ट इन्फिनिटिव से है तो उस सेंटेंस का क्या सेंस बन रहा है, अगर आप वहां पर देखेंगे तो जो वर्ब होगी वो कॉपुलर या स्टेटिव कैटेगरी की वर्ब होगी और उसके साथ में या तो इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगी या फिर परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज होगी अगर वो काम हो चुका है या कुछ समय से हो रहा है। अब इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के। जैसा आप जानते हैं पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर चूंकि हम बी की बात कर रहे हैं तो बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज किया गया, हैविंग बीन का यूज सेंटेंसेस में। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, सबसे पहला सेंटेंस है हैविंग रेड द बुक ही केम, ये है रेड, रीड की थर्ड फॉर्म। हैविंग के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है एक अलग क्लॉज में तो यहां पर मतलब होता है उस काम को करने के बाद। यहां पर रीड की थर्ड फॉर्म रेड का यूज किया गया है तो यहां पर काम है पढ़ना, पढ़ने के बाद, क्या पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद वो आया। ठीक इसी तरह से मेरा दूसरा सेंटेंस है हैविंग स्कॉल्डेड मी, स्कॉल्ड मतलब डांटना, डांटने के बाद, मुझे डांटने के बाद ही टर्न्ड हैप्पी। यहां पर आप टर्न की जगह गॉट का भी यूज कर सकते हैं, यानी टर्न और गेट दोनों का यूज किया जा सकता है, वो खुश हो गया, होने के लिए टर्न या गेट का यूज, ये दोनों पॉपुलर वर्ब्स हैं जिनके बारे में पॉपुलर वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। फिलहाल इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं पे भी बीन का यूज नहीं किया गया है। इन सेंटेंसेस को यहां पर इंक्लूड करने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि इनके माध्यम से आगे सेंटेंसेस में मैं आपको बीन के यूज को समझाऊंगा। अब देखिए तीसरा सेंटेंस अगर आपके सामने आप देखें,
हैविंग बीन स्कॉल्डेड, जब मैं कहता हूं हैविंग स्कॉल्डेड, जैसे मैंने दूसरे सेंटेंस में कहा डांटने के बाद, यहां पर हैविंग बीन स्कॉल्डेड, बीन का जब आप यूज करते हैं तो वो वर्ब, वो एक्शन खुद पे ही परफॉर्म हो जाता है, यानी डांट खाने के बाद, खुद ही डांट खा ली। यहां पर डांटने के बाद दूसरे को डांटा, लेकिन यहां पर खुद ही डांट खा ली, क्वासी पैसिव के फॉर्मेशन जैसा है, जैसा बीइंग के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन स्कॉल्डेड, डांट खाने के बाद ही टर्न सैड, वो दुखी हो गया। यानी इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आए जहां पर हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो, तो यानी इसका ये मतलब है कि वो वर्ब खुद पर ही, सब्जेक्ट पे ही परफॉर्म हो गई है, डांट खाने के बाद सब्जेक्ट ने ही डांट खा ली। अब देखिए एक दूसरे तरह का सेंटेंस जो अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, हैविंग बीन इल, यहां पर इल ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहां पर सेंटेंस का सेंस देखिए, हैविंग बीन इल, बीमार होने के बाद, यहां पर बी ये होना के सेंस में, बीमार होने के बाद ही साउंडेड, साउंड मतलब होता है सुनने में लगना, देखिए साउंड एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है साउंडेड, थर्ड फॉर्म भी होती है साउंडेड, ये एक स्टेटिव वर्ब है, वर्ब के वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है, साउंड की सेकंड फॉर्म साउंडेड का यूज किया गया है, ही साउंडेड वो सुनने में लगा, कैसा लगा, लो लगा, यानी उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है वो हल्की हो गई क्योंकि वो बीमार था, हैविंग बीन इल ही साउंडेड लो, बीमार होने के बाद या बीमार होने की वजह से, दोनों सेंस में यहां पर हैविंग बीन का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपका अगला सेंटेंस है, हैविंग बीन इन देहरादून आई रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल द सिटी वाज, इस सेंटेंस का मतलब है देहरादून में होने के बाद या देहरादून में रहने के बाद या देहरादून में कुछ समय ठहरने के बाद, सेंस कुल मिला के एक जैसा है, देहरादून में होने के बाद मैंने महसूस किया कि सिटी कितनी खूबसूरत थी। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, हैविंग बीन विद यू, आपके साथ होने के बाद, यानी आपके साथ रहने के बाद या आपके साथ ठहरने के बाद या आपके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद, आई कांट थिंक ऑफ स्टेइंग विद एनीवन एल्स, मैं किसी और के साथ ठहरने के बारे में या रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, हैविंग बीन स्कॉल्डेड, यहां पर ठीक उसी तरह से, डांट खाने के बाद आई लेफ्ट, मैं निकल गया, लीव मतलब निकलना, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट का यूज यहां पर किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, हैविंग बीन अक्यूज्ड, अक्यूज होने के बाद, यहां पर आरोप लगाए जाने के बाद, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाए जाने के बाद खुद पर ही आरोप लग गया क्योंकि यहां पर बीन का यूज किया गया है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि सब्जेक्ट पे ही वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, हैविंग बीन अक्यूज्ड, आरोप लगाए जाने के बाद ही स्टार्टेड बिहेविंग इनोसेंट, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया क्या करना, बिहेव करना, कैसा बिहेव करना, इनोसेंट बिहेव करना, यानी उसने निर्दोष बिहेव करना शुरू कर दिया, या मैं कुछ इस तरह से भी कह सकता हूं कि वो इनोसेंट बिहेव करने लगा, इसे आप इनोसेंट और इनोसेंट दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, एडवांस इंग्लिश में इसे इनोसेंट प्रोनाउंस किया जाता है। फिलहाल देखिए इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप देखें जहां पर भी बीन का यूज हुआ है, दो सेंस में हुआ है, एक तो वो सेंस है जहां पर बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे केस में वो एक्शन खुद सब्जेक्ट पे ही परफॉर्म हो गया, और दूसरे केस में यहां पर अगर आप देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इन सेंटेंसेस में होना का सेंस या रहना का सेंस या कुछ समय वहां पर बिताने का सेंस आता है। मैं जानता हूं कि कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ तो सकते हैं लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना सकते जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मैं लेके आऊंगा, दिल लगा करके प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन, किसी बुक को, किसी नॉवेल को पढ़ते हैं या किसी मूवी को आप देखते हैं, इंग्लिश मूवी को, और वहां पर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, उन सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए, रिलेट करिए कि किस कॉन्सेप्ट से वो रिलेटेड है, उसके बाद उसे याद करिए कि मैंने
मैंने आपको क्या बताया था, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो उस सेंटेंस को englishwale12@gmail.com पे मेल के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं जानता हूं कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होने की वजह से मैं आंसर नहीं दे पाता समय पे, लेकिन मैं आंसर जरूर दूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि हर छोटे छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।